हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। गाइज, अभी हम आ गए हैं पटना का शिवाजी पार्क, जो कि लोहिया नगर कंकड़बाग में स्थित है। तो आज हम आपको इस ब्लॉग में पटना का शिवाजी पार्क को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो आप सब हमारे इस वीडियो में बने रहिए। और गाइज, देख सकते हैं ये शिवाजी पार्क का दूसरा गेट है, जो कि अगर इसमें आप आना चाहते हैं तो इसका एंट्री चार्ज 10 रुपया है। तो इसलिए इसका एक ही गेट ओपन रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर इसके पीछे का व्यू देखिएगा तो कुछ इस प्रकार है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल की तरह बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे फूल सब लगाया गया है। ये शिवाजी पार्क का कुछ नज़ारा हम आप सबको दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये जो यहाँ मूर्ति बना हुआ है, इसके ऊपर झरना सब लगा हुआ है। देख सकते हैं इसके बाहर का व्यू, जो कि हाथी जी का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। और इसके चारों ओर जो देखिएगा, तो पेड़ पौधा सब लगाया गया है, जो कि काफ़ी हरियाली सब लग रहा है देखने में। गाइस, ये अभी आप देख रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट झूला है, जो कि बच्चों सब झूल रहे हैं, देख सकते हैं। छोटे छोटे झूला आप सबको जितना में दिखाई दे रहा होगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं झूला सब झूल रहे हैं हमारे भैया लोग और बुआ लोग सभी। हेलो भैया, नमस्ते भैया, कैसे हैं भैया? ठीक है। कहाँ से हैं आप? ठीक है, लोकल आदमी हैं। पटना के ही हैं क्या? आप इस शिवाजी पार्क के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया इसके बारे में? जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस ग्राउंड के अंदर जितना भी झूला लगा हुआ है, सभी सुनते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 10 रुपया में टिकट बना के आइए और ये जो झूला सब लगा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्या ये बात सत्य है? सत्य है, पर ऐसे नॉर्मली ये बच्चों के लिए बना हुआ है, बट खुशी के लिए बड़े लोग भी इस पर यूज करते हैं। फिर आप जब जानते हैं बच्चों के लिए ये यूज करते हैं, तो फिर आप क्यों झूल रहे हैं? क्योंकि इसमें बच्चे नहीं है भैया, अभी खाली है। तो आप ये नहीं जानते हैं बच्चों के लिए बनाया गया है और आपका वेट ज्यादा है, तो ये टूट भी सकता है, आप गिर भी सकते हैं। हाँ पता है। तो फिर आप क्यों झूल रहे हैं? बस थोड़ी बहुत खुशी के लिए, और कोई बात नहीं है, नॉर्मली बच्चे लोग। इधर देख सकते हैं डस्टबिन सब लगाया गया है, जो कि पार्क को सफाई साफ सुथरा करने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं पार्क को साफ सुथरा रखे, यत्र ना थूके, इसके लिए डस्टबिन का प्रयोग करें। यहाँ पे डस्टबिन लगाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये महिला जिम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। अगर इसमें आप जिम करना चाहेंगे तो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज ज़्यादा नहीं है, मात्र 5 रुपया चार्ज है इसका। और इधर देख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रगण सब, जिनके साथ हम लोग आए हैं, वो सब यहाँ पे बैठ के अभी इंजॉय कर रहे हैं। भैया, आप सबको इस शिवाजी पार्क में पहली बार आके कैसा लग रहा है? हजार बार आए हुए हैं, क्यों? तो जैसा कि ये बात अभी आप सच में सुने कि सुबह 5 बजे से लेके और 7 बजे तक जो इसका एंट्री फी है वो फ्री रहता है इस शिवाजी पार्क का। तो आप सब अगर आना चाहते हैं वॉकिंग करने के लिए, तो 5 बजे से 7 बजे के बीच जो है ना फ्री में आके घूम सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इधर अगर देखिएगा तो ये हमारे बिहार का शान है, मिथिला पेंटिंग, देख सकते हैं कितना अच्छा है। और इधर देखिएगा तो इस शिवाजी पार्क का ये खासियत है कि टॉयलेट सब की भी व्यवस्था की गई है इसमें, महिला टॉयलेट और पुरुष टॉयलेट की अलग अलग व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं इधर पुरुष टॉयलेट सब का व्यवस्था है। ये देख रहे हैं, ये शिवाजी पार्क का सबसे ऊंच स्थान है, यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस सब होता है तो यहाँ पे आके किया जाता है, जो कि देख सकते हैं ये शिवाजी पार्क का सबसे ऊंचा स्थान है, हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे अगर देखते हैं तो देख सकते हैं काफ़ी झूला सब लगा हुआ है बच्चों सबको झूलने के लिए। और इधर देखिए तो इस पेड़ को कितना अच्छा से कटिंग किया गया है, देख सकते हैं। इधर आप देखिएगा तो ये देख सकते हैं पुरुष जिम सब है, जो कि इसका भी वही एक्स्ट्रा चार्ज है, अगर इसमें आप आते हैं तो उसका तो चार्ज 10 रुपया लगेगा ही। और इस जिम का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसका अलग से आपको 5 रुपया
चार्ज दे के इसमें एंट्री करना होगा, जो कि देख सकते हैं पुरुष जिम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। कहाँ से भैया हैं आप? हम तो यही बगल में कंकरबाग में ही रहते हैं। आप शिवाजी पार्क कब से आ रहे हैं? बहुत टाइम से हम लोग को बहुत टाइम हो गया आते हुए। आपको यहाँ सबसे अच्छा शिवाजी पार्क में क्या लगता है? शिवाजी पार्क में देखिए ये फैमिलियर पार्क है, ठीक है, और बाकी कपल्स वगैरह भी आते हैं, मतलब अच्छा है, फ्रेंडली पार्क है मतलब। और इधर जो आप देख रहे हैं ये टेडी बियर वाला झूला, तो इसका चार्ज बताया गया है कुछ 20 रुपया चार्ज है। तो चलिए इसको दिखाते हैं हम आपको आगे से, आप सब हमारे इस वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं बच्चे सब काफ़ी झूला झूल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये टेडी बियर झूला दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये टेडी बियर झूला हुआ है, जिसमें अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो इसका चार्ज मात्र 20 रुपया है। देख सकते हैं इसके बगल में देखना चाहेंगे, इसके बगल में अगर आप देखिएगा तो देख सकते हैं ये ट्रेन वाला झूला लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी बंद है क्योंकि अभी ठंड के कारण ज़्यादा पब्लिक सब नहीं आए हुए हैं। इधर देखिएगा, अगर इस झूला की अगर बात किया जाए तो ये सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप मात्र 10 रुपया के टिकट जो लेके आते हैं उसी का ये सब फ्री में आप झूला सब झूल सकते हैं, देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं आप बच्चों सब काफ़ी इस झूला में इंजॉय कर रहे हैं, जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। देख सकते हैं इसका कोई चार्ज नहीं है, जो आप 10 रुपया दे के टिकट लेके आते हैं मात्र उसी में आप इस झूला सबको इंजॉय ले सकते हैं। और मात्र इसमें दो ही झूला ऐसा है जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जैसे कि आप आगे देख रहे होंगे ट्रेन वाले झूला हो गया और एक टेडी वाले झूला हो गया। चलिए तो अब हम फिर आपको आगे दिखाते हैं। ओ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से हैं भैया आप? जहानाबाद। आप शिवाजी पार्क कब से आ रहे हैं? 5 साल पहले से। 5 साल पहले से आप इसमें, ऐसा क्या ऐसा खास चीज़ है कि आप 5 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं? कंटिन्यू नहीं, कभी कभी आते हैं, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं इधर रूम लेके, तो जब मन करता है मतलब जब भी छुट्टियाँ सैटरडे है तो चले आते हैं घूमने। आपको शिवाजी पार्क में सबसे अच्छा क्या लगता है? लगता है यहाँ का माहौल, मतलब मन उन लगता है, ऐसे शहर में एक जगह आदमी नहीं ना रहता ढेर मनी, तो एक जगह पे सब इकट्ठा आदमी देखते हैं, अच्छा लगता है। आपको हम देख रहे हैं सभी दोस्तों के साथ आप घूम रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड सब नहीं रखे हैं क्या? हम लोग माता पिता के सपने के लिए यहाँ आए हैं और हम लोग के गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हैं आप भैया? जी हम जहानाबाद जिला से। आप यहाँ क्या करते हैं पटना? स्टडी करते हैं हम लोग, कंपटीशन की तैयारी। और शिवाजी पार्क अब आप कब से आ रहे हैं? जी हमको आना यहाँ लगता है कि 6 महीना से हम करीब करीब आ रहे हैं, और यहाँ मतलब हम लोग जब सैटरडे और रविवार को आते हैं क्योंकि यहाँ छुट्टी मिलती है तो हम लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। तो आपको शिवाजी पार्क में सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ हम लोग को माहौल ही देखते हैं, मतलब जैसे झुलवा और मतलब अच्छे चीज लगते हैं, क्योंकि रूम में रहते रहते हम लोग को मन बोरिंग लगता है, तो यहाँ आते हैं तो थोड़ा मतलब देख लेते हैं, अपने मतलब गांव में जाते हैं तो जैसे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं अपने आदमियों को देखते हैं तो, और अपने फ्रेंड व्रेंड के साथ आते हैं तो इन्जॉय मिलता है। और कम यहाँ पे बहुत लड़के सब थे, वो लोग बोल रहे थे कि हम यहाँ पे आते हैं लड़कियाँ देखने, लड़कियाँ पटाने, तो क्या उन्हीं के पर्पज़ से आप सब आते हैं या कोई और पर्पज़? नहीं हम लोग वो पर्पस नहीं आते, क्योंकि हम लोग यहाँ पटना है पढ़ने के लिए और अपने माता पिता को सपना को पूरा करने के लिए। तो मेरे साथ एक भैया जी जुड़ चुके हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। कहाँ से हैं आप भैया? जी मैं पटना से ही हूँ, तो रामकृष्णा नगर से। ओके ओके ओके। आप क्या करते हैं? हाँ मैं वेब डिजाइनर हूँ। अच्छा जी, तो आप यहाँ पटना शिवाजी पार्क में आए हैं, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए शिवाजी पार्क बहुत अच्छा पार्क है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या रही है कि बड़ों को नहीं झूलने दिया जा रहा है। अच्छा। इसके कारण कोई यहाँ आना नहीं चाह रहा है, और पार्क आप देख सकते हैं कि पूरा खाली है, केवल बच्चे ही नजर आ रहे हैं। पहले लड़कियाँ ज्यादा आती थी तो हम लोग का भी मन लगा रहता था, लेकिन अब वो चीज नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये शिवाजी पार्क में जो कमियां नजर आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ मांगना चाहेंगे? हमारे कहेंगे कि सबको झूलने का परमिशन दिया जाए और थोड़ा बड़े लोगों को आने दिया जाए, ताकि लड़कियां आए तब लड़के भी आए, तब ना थोड़ा सा अच्छा रहेगा जी। अब कितना मुश्किल से एक ऊपर बैठी है। क्यों? तो इधर देख सकते हैं इधर दीदी सब झूला झूल रहे हैं, तो हम दीदी सब से बात करने का प्रयास करेंगे।
बहुत मुश्किल से झूला मिला है जिसका मौका ये लोग खोना नहीं चाहती है। सही पकड़े हैं। इसलिए इन लोग को झूलने में अब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो अब हम कुछ देर वेट ही कर लेते हैं, हम दीदी से बात करने का प्रयास करेंगे, बट अब दीदी सब का देखते हैं कैसा क्या, अगर टाइम देना चाहेंगे तो बात तो करेंगे ही नहीं। तो अभी आपको हम ये बस झूला दिखाए हैं और चलिए और आपको आगे सब भी दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं बच्ची, ये इस झूला को नाम तो पता नहीं है बट दिखा सकते हैं, अभी देख सकते हैं। क्या भैया झूला का नाम नहीं पता है तो दिखा नहीं सकते हैं। देख सकते हैं इधर ये गोल गोल घूम रहा है और इधर भी देख सकते हैं बच्चे लोग सब काफी इंजॉय कर रहा है झूला में। क्या बाबू मजा आ रहा है झूला झूलने में? झूला में देख सकते हो काफी मजा आ रहा है। इधर देख सकते हैं हमारे सर लोग सब हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से हैं सर आप? बक्सर जिला। आप यहाँ पटना में क्या करते हैं? यहाँ पटना में बच्चे पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर्स हैं? नहीं नहीं, बच्चे के लिए। अच्छा अच्छा, आप इस पटना शिवाजी पार्क में आए हैं तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बहुत अच्छा है हमको देखने से। तो आपको यहाँ शिवाजी पार्क में सबसे अच्छा क्या लगता है? वो जो झूला है। अच्छा, आप अकेले आए हैं या अपने बच्चों के साथ लेके आए हैं? बच्चों के साथ आए। तो क्या बच्चों को आप झूला सब झूला रहे होंगे? जैसा देख सकते हैं हमारे ये अंकल जी हुआ जो कि देख सकते हैं बच्चों सब के साथ में लेके आए हुए हैं और इंजॉय करवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इधर हमारे सर हुए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हैं सर आप? हम औरंगाबाद से। आप फिलहाल अभी पटना में क्या करते हैं? अभी तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओ थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। तो शिवाजी पार्क के बारे में कुछ आप बताइए। शिवाजी पार्क प्राकृतिक रूप से अच्छा है, है ना, प्राकृतिक भी रक्षा कर रहा है, साथ बच्चा मनोरंजन भी कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं इसमें। तो आपको इस शिवाजी पार्क में सबसे अच्छा क्या लग रहा है? यहाँ जिम भी हो गया है, साथ साथ बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन भी हो गया है, सभी अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटरफॉल जो कि झरना लगा हुआ है और काफी ऊपर से पानी बरस रहे जो कि आप सबको देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और शाम होगा तो यहाँ पे लाइटें की व्यवस्था भी की गई है जो कि लाइट अभी बंद की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे लाइट जो दो हैं उसका अभी नज़ारा कम ही दिख रहा है। देख सकते हैं इनके चारों ओर अगर आप देखिएगा तो काफ़ी फूल सब लगाया गया है। और चलिए इधर हम आपको थोड़ा ये स्विमिंग पूल की तरह जो तालाब बनाया गया है वो भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल का नज़ारा कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा जो कि देख सकते हैं यही है स्विमिंग पूल तालाब। वैसे स्विमिंग पूल तो नहीं है बट उन्हीं की तरह बनाया गया है। तो गाइज मैंने फाइनली आप सबको पटना का शिवाजी पार्क दिखा दिया हूँ। तो आई होप आप सब अच्छे से देख लिए होंगे और आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक कमेंट तो कर ही दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।